अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मेरे एक दोस्त आ रहा है मुझसे मिलने पूरे 1 साल बाद। उसके साथ कुछ काम है, फिर हम जाएंगे नाश्ता करने। तो जब तक के सीन आपके सामने, और आज बहुत स्पेशल दिन है, मेरे एक दूसरे दोस्त की शादी है और उनके लिए जो मैंने गिफ्ट तैयार करना है ना, आपने देखना, मिस नहीं करना। तो चलिए अपने दोस्त से मिलते हैं और उसके बाद फिर हम शादी की तैयारी करते हैं। तो चलें। यार ये बंदा ना, ये 1 साल बाद आया मेरे पास और ये कहता है कि मैं तेरा सबसे अच्छा दोस्त हूँ। याद आ गई मेरी। बिल्कुल। और हाँ देखिए, अच्छे दोस्त हैं तो इसलिए हम आपसे मिलने आए, वो भी 1 साल बाद। एक आप तो साल नहीं बाद है ना हमारे पास। भाई अगर आप हमारे पास आए होते तो फिर हम कह सकते थे कि बाकी आप भी हमारे अच्छे दोस्त हैं, हम आपके यार अच्छे हैं तो ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त है और ये 1 साल बाद मुझसे मिलने आया है। और इसी तरह हमारी बातें चलती रहीं और हम सीधा गए धमतल नाश्ता करने के लिए। और धमतल के सीन आपके सामने है। आप कोई यूट्यूबर कोई दोस्त हो तो उसके खाने पे कभी मत जाना। क्यों? बस हाँ भाई। यार तो मैं अभी आया हूँ परवेज के साथ नाश्ता करने के लिए धमतल। भाई जान, आप तो डायरेक्ट शुरू कर रहे हैं यार, ना पूछ रहे ना भाई। क्या आप कोई यूट्यूबर कोई दोस्त हो तो उसके खाने पे कभी मत जाना। क्यों? फूड ब्लॉगर का एक ही मसला होता है कि खाना आता है, खाना ठंडा हो जाता है, शॉट्स लेने होते हैं, उसके बाद खाते हैं। तो मतलब जो जायका होता है ना खाने का, वो खत्म हो जाता है। तो हमारे भाई साहब भी यही कह रहे हैं कि ब्लॉगर के साथ यूट्यूबर के साथ कहीं खाने पे ना जाए। मैं फूड ब्लॉगर हूँ नहीं, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है कि मैं वीडियोस कवर करूँ फूड के हवाले से, और कराची की जितनी भी मशहूर फूड स्ट्रीट्स हैं मैं उनको कवर करूँ। तो इन फ्यूचर सोचा है कि मैं इंशाल्लाह फूड पर काम करूँगा। अपने दोस्त को रुखसत किया और मैं सीधा घर आया और उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की अपने दोस्त के गिफ्ट की, जिसकी शादी हो रही है। मैंने एक अंडा तैयार किया है और घड़ी का जो बॉक्स होता है उसके अंदर मैंने डाला, एनवेलप लिया और उस पर 10 रुपये डाले। 10 रुपये। 90% बॉयज़ शादी में इसीलिए जाते हैं कि वो खाना खा सकें, लेकिन अगर उसे पता चल जाए कि ये उसके बेस्ट फ्रेंड की शादी है तो वो फिर खाना नहीं खाते, फिर आखिरी खाना समझ के खाते। पहुंच चुके हैं यहाँ पे ग्लोरी बैंकेट और उसके बाद अब अंदर जाते हैं। अंदर का सीन मैं आपको दिखाता हूँ। यार जो गिफ्ट है ना, गिफ्ट का बड़ा बेहतरीन सीन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, बस एक शब्द में कहूँगा, आज वकास की आज़ादी का आखिरी दिन है, कल मिलेंगे उससे। उस्मान साहब आप क्या कहते हैं? बस वकास साहब खुशकिस्मत थे, जब से उनकी शादी नहीं हुई थी तो अब शादी के बाद शायद ये बदकिस्मत हो सके, और शायद खुशकिस्मती में उनकी बदकिस्मती बदल जाए, ये भी हो सकता है। तो यार एक तो इनकी उर्दू इतनी मुश्किल होती है, समझ नहीं आती। यार ये हमारे वकास भाई हैं, इनको हमने गिफ्ट दिया, बड़ा बेहतरीन गिफ्ट दिया, बहुत महंगा गिफ्ट दिया। और सीन ये कि यार ये माशाल्लाह बर्बाद हो चुके हैं, इनकी शादी हो गई है और पहले ये बहुत आबाद थे, अब इनकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो गई। स्माइल चेक करें, फेक स्माइल है। और हमारी दुआ है कि अल्लाह इन पर रहम करे, इनकी ज़िंदगी सलामत रखे और दुआओं में याद रखे, और अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे। मुफ्ती साहब नहीं है अभी तक? मुफ्ती साहब पता नहीं कहाँ है, वो दूसरी के पीछे लगे। यार अभी का सीन ये कि हम इंतज़ार कर रहे हैं अपने कोलीग्स के, और सर फहीम साहब हो गए, ताहा हो गए और जुनैर हो गए, इस तरह दीगर हमारे दूसरे भी दोस्त हैं, उनके इंतज़ार में। तो वो जैसे ही आते हैं फिर आपको भी मिलवाते हैं उनसे। और
शान साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है सर, ठीक है। बहुत लेट कर दिया यार, जल्दी आना चाह रहा था लेकिन बिल्कुल एंड टाइम पे जो है ना प्रोग्राम बनाया आने का। अच्छा। और रास्ते में इतना ट्रैफिक था कि बस आपकी मोहब्बत में आ गया। वैसे तो मुझे मालूम नहीं था कि आप भी आएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हो रही है कि आपसे मुलाकात हो गई यहाँ। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसे धोखे दिए, सरफे सरदुनैर ने फुल जो है ना बहाना बनाया, उन्होंने टोपी कराई है और उनसे बदला लिया जाएगा इंशाल्लाह। खाना खुल गया है और वो अभी तक नहीं है, तो खालिक साहब आप क्या कहते हैं, वो अभी तक नहीं पहुँचे? मैं कुछ नहीं कहता सर, पहुँचेंगे वो जब खाना खुल चुका होगा, हमें उनकी खसलत का पता है। जब खाना शुरू हो जाएगा हमारा पूरा स्टाफ पहुँच जाएगा। वकास भी अगर लिफाफे नहीं संभले जा रहे तो मैं हूँ। नहीं नहीं ज़्यादा गलत है, मैं यार मेरे मैं, पास मैं, है मैं, नहीं मालूम है सारे लिफाफे नहीं मुझे भी कोई खिदमत करने रहे तो वकास साहब बेचारे हैं, लिफाफे इनको संभालने रहे, वैसे भी हो चुके हैं ये लिफाफे, इनके काम आएंगे वो रिश्वत दिया करेंगे तो बचेंगे, वरना चमाने खाएंगे। हम तो फेरे मोहम्मद उस्मान, माशाल्लाह हमारे सर बड़े सीनियर, लेकिन आप पता चलेगा ये सीनियर कितने हैं क्योंकि शादी हो चुकी है, शादी के बाद ही पता चलता है कि इंसान कितना सीनियर है। और तो कैसे हैं आप? खैर हम बंद हम भाभी कल रात को एक सेकंड, कल रात को ये सीन था कि सब ने इनको 12 बजे मिस कॉल मारे, इन्होंने मोबाइल ही बंद कर दिया यार, हमने इतनी मिस कॉल दी लेकिन अगले ने मोबाइल ही बंद कर दिया। मैं पागल था, पहले तो पता था रात अंधेरी नहीं करनी थी, अपनी रोशन करने गया था भाई मेरे।